संविधान की प्रति को जलाने और बाबा साहब के अपमान पर आक्रोशित समाज संविधान बचाओ देश बचाओ मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा की ओर से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा सहित वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बातचीत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में इस बार सारंगपुर विधानसभा में कांग्रेस विधायक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। चुनाव अभियान समिति के प्रदेश सदस्य सारंगपुर विधानसभा प्रभारी कुसुमकांत मित्तल और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्ण सांसद नारायण सिंह आमला भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से स्थानीय मांगलिक भवन परिसर में मीटिंग ले रहे हैं। सारंगपुर से सलमान अली की रिपोर्ट। ऐसा कृत्य करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। अभी जो दिल्ली में जंतर मंतर के लोगों ने जो संविधान जलाया और बाबा साहब को जो उनने गाली बकी है उसके विरोध में हम थाना प्रभारी में आके कंप्लेंट किए कि उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज की जाए और उनके ऊपर कड़ी सी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम 14 के बाद उग्र आंदोलन करेंगे और पूरा भारत बंद किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी अगर 14 तारीख के पहले उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती।